भाइयों आज मैं आपको ऐसी जगह लेके आया हूँ जहाँ पर आप वन डे का ट्रिप बना सकते हो और वो भी बहुत कम बजट में। ये जगह बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है, जिसमें आपको खाने के लिए अनलिमिटेड आइटम मिलेंगे, बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे गेम और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ भी, जैसे कि कैमल राइड, बुल राइड और भी बहुत कुछ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो के साथ, बताता हूँ आपको यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन। भाइयों इस प्लेस का नाम है प्रतापगढ़ फार्म, जो कि झज्जर के अंदर है। भाइयों इस जगह का बाहर से नज़ारा कुछ इस तरह दिखाई देगा। भाइयों प्रतापगढ़ फार्म के अंदर जाने के लिए आपको एंट्री टिकट लेनी होगी। भाइयों अगर मैं बात करूँ इसके टिकट प्राइस की, तो 5 साल तक के बच्चों के लिए फ्री है, 5 से 12 साल बच्चों के लिए 650 और 12 साल से ऊपर के लिए है 1230 रुपये पर पर्सन। भाइयों आपको इसी टिकट प्राइस में ब्रेकफास्ट, लंच और अंदर जितनी भी चीज़ें हैं एक्टिविटीज़ की, सारी इसमें इंक्लूड होंगी। भाइयों एक्चुअली प्रतापगढ़ फार्म अपने अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है, तो चलिए चलता हूँ हर एक सेक्शन की तरफ वन बाई वन। तो भाइयों सबसे पहले मैं बात करता हूँ ब्रेकफास्ट की। जो ब्रेकफास्ट की टाइमिंग है वो सुबह के 9:30 से 1 बजे तक की है। भाइयों यहाँ पर ब्रेकफास्ट और लंच करने के लिए की सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। भाइयों वैसे तो आपको ब्रेकफास्ट में बहुत सारे आइटम खाने को मिलेंगे, मैंने कुछ आइटम दिखाए हैं जैसे कि भेलपूरी, छोले भटूरे और कुछ रसगुल्ले, पानी पतासे। तो भाइयों अब चलता हूँ मैं खाने के कुछ ऐसे आइटम जो सुबह के 9:30 से शाम के 5:30 तक चलते हैं। उनमें से सबसे पहले ये है मक्के की रोटी, मक्खन और सरसों का साग। भाइयों इसका खाने का टेस्ट ही अलग है, सुपर अमेजिंग। उसके बाद है ये बाजरे की रोटी, मक्खन, गुड़ और चटनी। उससे नेक्स्ट जलेबी और दूध। आंटी ये क्या है, गुलगुले? ये बाजरे की खिचड़ी। भाइयों अब चलते हैं हम दूसरे सेक्शन पर, जहां पर आपको निशानेबाजी की कुछ एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। भाइयों आपको प्रतापगढ़ फार्म में पपेट शो भी देखने को मिलेगा। भाइयों ये है नेक्स्ट सेक्शन जहां पर बच्चे कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि बैडमिंटन खेलना और इन जंपिंग पर कूदना। भाइयों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, जहां पर आप ट्रैक्टर राइड, बुल राइड और कैमल राइड भी कर सकते हो। ये ट्रैक्टर राइड, ये। उससे नेक्स्ट आपको एग्रीकल्चर फॉर्म देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत कुछ चीजें दिखाई गई है। इसी सेक्शन में आपको रैबिट फॉर्म भी देखने को मिलेगा। भाइयों ये कुछ लोग हैं जो यहाँ पर फोटोग्राफी करवा रहे हैं। अगर आप इस सेक्शन को चारों तरफ से देखोगे तो बहुत ही लाजवाब और सुंदर दिखाई देता है।
उससे नेक्स्ट बच्चों के खेलने के लिए और एक्टिविटी करने के लिए एक सेक्शन और बनाया गया है। तो दिखाता हूँ आपको यहाँ के सारे एक्टिविटी के चीज़ें। भाइयों प्रतापगढ़ फॉर्म में आपको माता सीता की कुटिया भी देखने को मिलेगी, जिसे देखकर सच बताऊं तो दिल खुश हो जाएगा। इससे नेक्स्ट आपको बौद्ध वाटिका भी देखने को मिलेगी। प्रतापगढ़ फॉर्म में बोटिंग करने का भी एक अपना अलग सेक्शन बनाया गया है। भाइयों अगर आप हो डांस करने के शौकीन तो प्रतापगढ़ फॉर्म में आपको डीजे भी देखने को मिलेगा, जहां पर आप डांस कर सकते हो। भाइयों 2 बजे स्टार्ट हो जाता है प्रतापगढ़ फिल्म लंच, और लंच में आपको काफ़ी सारी वैरायटी आइटम्स खाने को भी मिलेंगे। ये है लंच करने की सीटिंग अरेंजमेंट। भाइयों अब हम चलते हैं अदर एक्टिविटीज पे। भाइयों ये है यहाँ का लास्ट सेक्शन, जिसको छोटे बच्चे के लिए बनाया गया है। इसमें छोटे बच्चे झूला झूल सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, बस मेरी वीडियो में मैंने इस प्रतापगढ़ की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में बता दी है। अगर आप वन डे का ट्रिप करने की सोच रहे हो या अपने फैमिली को ले जाने की सोच रहे हो, बच्चों का एंजॉयमेंट करवाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। प्रतापगढ़ में जो झज्जर के अंदर है, ये गुड़गांव से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो भाइयों बस आज के लिए इतना ही मेरी वीडियो में, मैं फिर मिलूंगा एक नए प्लेस पे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।